और सारी उम्र झूठ नहीं बोला, इनसे कोई लग्जिश भी नहीं हुई, इसलिए इनको सदीक उमर कहा जाता है। तीसरी रिवायत तबकात इब्ने साद में है, जब सरकार सैर कर रहे थे ना अल्लाह ताला के अर्श की जन्नत की, तो फरमाया जबरील मेरी ऐसे सैर क्यों, कोई तस्दीक करेगा? माया हाँ यार रसूलल्लाह, आपका यार अबू बकर वो सदीक है, वो तस्दीक करेगा। चौथी रवायत बुखारी शरीफ की पहली सवा 521 है, जिन्हें क्या पता हो सरकार के सहाबा के शान पूछनी है तो सहाबा के गुलामों से पूछो ना, बुखारी शरीफ के अथेंटिक हदीस है, पहली सवा 521 है, अनस बिन मालिक रावी हैं हदीस के सरकार गए उहद पहाड़ के ऊपर, दाएं जानब सदीक अकबर हैं, बाएं जानब फरूक आजम हैं, साथ उस्मान गनी हैं, तो आज पहाड़ भी नाज कर रहा है ना, सरकार का फरमान है सही बुखारी में, ओहद उन जाबाला हिब्बू ना बन हिब्बू, ओहद पहाड़ ऐसा पहाड़ है दुनिया में जो मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ, तो प्यार कैसे होता है, जिसको जानते भी हो पहचानते भी हो, वो पहाड़ हो के अल्लाह के महबूब को पहचानते, तुम कितने जालम हो, तुम इंसान हो कि उसके अल्लाह के महबूब को नहीं पहचान सके। जब वो खुश हुआ आज मेरे मुकद्दर पे, अपने मुकद्दर पे नाज किया कि वो महबूब जो अल्लाह के अर्श पे जाए, अर्शे आला बन जाए, जो पहाड़ पे कदम रखें वो जबले नूर बन जाए, ये मक्का शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह की है ज़ियारत की भी, वहाँ भी नज़ारे बड़े अजीम हैं, तो आज ओहद भी खुश हो, ओहद मदीना शरीफ में है, जबले रहमत जो है ये जबले नूर जो वो मक्का शरीफ में है, तो खुश हुआ ओहद, जब हिला ना जल्जला आया, खुश जुमा इश्क में जुमा आके सरकार ने ऐसे नबूवत वाली एड़ी लगाई, ये सही बुखारी का हदीस है। मैं उसबू तो खुदन, हुक्म किसको दिया जाता है, जो बंदे को जानता भी हो और उसके हुक्म को मानता भी हो, मैं उसबू तो खुदन, ओहद ठहर जा, रुक जा, साबित कदम हो जा, फाइनमा लई का नबी उन व सिद्दीकन व शहीदान, तुम्हें नहीं पता तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी है और एक सिद्दीक है, दो शहीद है, दुनिया है सदाकत में तेरा नाम रहेगा, सिद्दीक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा, सिद्दीक के गुस्ताख से तो जंग रहेगी, जो उनसे जलेगा वही नाकाम रहेगा, सालार सहाबा वो पहला हलीफा, सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये और भी मैं रातें बयान कर सकता हूँ आपको सदीक क्यों कहा जाता है, लेकिन मेरे मौजू को भी अपडेट होने, चार मैंने आपके सामने तबकात इब्ने साद पढ़ी, सही बुखारी पढ़ी, इमाम नवी शारह मुस्लिम का फरमान पढ़ा, और आपको अतीक कहा जाता है, अतीक का पता क्या माना है, जिसको अल्लाह ने जहन्नम से आज़ाद कर दिया हो, जिसको जहन्नम से आज़ादी और जन्नत का परवाना मिले उसको अतीक कहते हैं, ऐन ता या और काफ। आइए सईदा आयशा सदीका सलाम अलैहा, हमारी अम्मी जान राविया हैं सदीस की, मतेंगे मैं अपने हुजरा शरीफ में हूँ जहाँ सरकार का गुंबद हज़रा है, ये भी अम्मी जान का मकाम है ना, तो बार सेन में काफ़ी सहाबा कराम है सरकार की बारगाह में, सरकार ने फरमाया कि जब अबू बकर सदीक आए, सरकार में आया कि वो अतीक आ गए, वो अतीक आ गए, यानी ये वो हस्ती जिनको अल्लाह ने जहन्नम से आज़ादी का परवाना दे दिया हुआ है। दूसरी बात सैन अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर सईदा शाह सदीक असलम के भांजे सईद असमा बिनते मैस उनके रदी तन के लखते जिगर ज़ुबैर बिन अवाम अशरम बशरा शाबी के बेटे ज़ुबैर बिन अवाम के बेटे अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर बात फरमाती हैं कि सरकार ने सहाबा से फरमाया सहाबा अगर किसी ने अतीक को देखना हो तो मेरे सदीक को देख लिया करे, यानी किसी जंती मर्द को देखना है तो वो मेरे अबू बकर को देख ले, आपका बचपन भी बड़ा अजीम है, बचपन में भी किसी बुत किया के सजदा नहीं किया, ना शराब पी है, ना किसी बुरी महफल में गए हैं, अरशादो सारी शराब हारी छठी जिल्द सफ़ा 187 है,
उसमें रवायत मौजूद है, अभी तकरीबन 4 साल की उम्र थी आपकी, 4 साल की उम्र। तो आपके वालद जिनका नाम हज उस्मान बिन आमर कुनियत अबू कहाफा, आपको लेके बुतखाने चले गए और बुतों के सामने खड़ा किया और माया हाद ही शमुल उला अब्दुल्ला, ये हमारे बड़े बड़े खुदा हैं, फर्स्ट युद्ध हम इनको सजदा करो। अब वो सदीक रदी तला 4 साल की उम्र है, कुरैशी सैयद हैं, मैंने आपका शजरा नसर पूरा पड़ा, साथ में मुझते मुरा बिन काब से जाके शजरा अल्लाह के महबूब से जा मिलता है। तो आपने माया अबा जी ज़रा ठहर जो, मैं ज़रा एक दो बातें ना इनसे कर लूँ। बेटा है क्या? बेटे ठीक है, कर ले। आपने कहा उनको जो बड़ा खुदा है ना, उसको कहा कि मुझे भूख लगी, अगर तो खुदा तो मुझे खाना खिला दे। बच्चे ने 4 साल की उम्र है, फरमाया कि मुझे प्यास लगी, अगर तो खुदा तो मुझे पानी पिला दे। वहाँ क्या जवाब आना था? तीसरा फरमाया कि मैं तुम्हें मारने लगा, अगर तू खुदा तो बच के दिखा दे। पत्थर उठाया, मारा, वो ज़मीन बोस हो गया। आपके वालद अबू कहाफा गुस्सा, उन्होंने थप्पड़ मारा, पकड़ के यार घर ले आए। जब आपकी अपनी बीवी और अबू बकर जी की वालदा के पास लाया, जिनका नाम असलमा कुनियत उम्मुल खैर थी, वो भी सहाबी हैं, उनके पास लाए तो ये बात सुनाई। उन्होंने आके अबू कहाफा ठहर जा, जब इनकी वलादत होने वाली थी तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, फरमाया या मातल्लब तहकीकी अब श्री बिल वलद लतीकी इस्मु फिस्समाई सदीक ली मोहम्मदी व साहिब व रफीक। ये आवाज़ है कि अल्लाह की बंदी, तुम्हें बिशारत हो, तुम्हें वो बेटा मिलने वाला जिसका नाम सदीक होगा और मेरे महबूब का साथी होगा, रफीक होगा। ये अरशादो सारी शरा बहारी 6 जिल्द सफ़ा 187 के ऊपर वायद मौजूद है। और जब सदीक अकबर ने कलमा पढ़ लिया, जवान हो गए, तो 4 साल की उम्र की बात, जब जवान हो गए, सहाबा की सरकार की महफिल में बैठे, मुसलमान हो चुके हैं और भी सहाबा बैठे हुए हैं, तो आज ना अपने बचपन का वाकया आपने बयान किया सरकार की मौजूदगी में, सहाबा की महफिल में अभी वाकया बयान किया ही है। फनाज़ला जिब्रील अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबरील अमीन आए सरकार के पास, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह फलम्मल कलाम फलम्मल कदा कलाम अबी बकर नाज़ला जिब्रील अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला सादा का अबू बकर। जिब्रील अमीन आए, अर्ज़ किया हुज़ूर जो आपके यार ने कहा सच फरमाया है, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। और 4 अजमतें ऐसी हैं सदीक अकबर की जो किसी और सहाबी को नहीं मिली। तकरीबन 1.5 लाख सहाबा है मेरे आका वा मौला के, 4 ऐसी अजीम फजीलतें हैं जो किसी और को। पहली फजीलत ये है, आपके अलावा जितने भी सहाबा हैं सब की सहाबियत हदीस से साबित है या तारीख से साबित है, सवाए सदीक अकबर के किसी की सहाबियत कुरान मजीद से साबित नहीं है। वह सहाबी जिनकी सहाबियत नस कुरान से साबित है, 10वां पारा सूरह तौबा आयत नंबर 40, अल्लाह ताला पूरा नक्शा खींच दिया। माया सानिया सनैनी जुहुमा फिल गार, दुनिया वालों याद करो वो वक्त जितू 2 यार सन ते 1 गार सी। सानिया सनैन फिल गार जितू 2 यार ते 1 गार, तो उदो मेरा महबूब अपने साबी नाल पे कहंदा सानी सनाई नी इज हुमा फिल गारी इज यकुल साहिबी ला तहजन इन अल्लाह माना। ओ बकर याद करो जी, तो मेरा महबूब अपने साबी नु फरमा रहा सी ली साहिबी ला तहजन इन अल्लाह माना,